नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आपसे पहले अनुरोध कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आप नया वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने क्या जा रहे हैं ये तो देखिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों, पहचान लिया हुआ इसे, मूर्खता का प्रतीक माना जाता है भारत में। पर मैं आपको बता दूं कि उल्लू बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है, बहुत बुद्धिमान पक्षी होता है। और उल्लू की जो विशेषता है कि उल्लू रात में देख लेता है, इतना बढ़िया देख लेता है, वो कैसे होता है आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उल्लू होशियार है, इसका मैं आपको पहले उदाहरण दे दूं। उल्लू किसी घास में छिपा हुआ चूहा देखता है, उल्लू रात में शिकार करता है खेतों में, किसानों का दोस्त होता है ये। कोई चूहा इसने देखा, यहाँ से भागने लगा। अब इसे खेत में फसल में दिख तो रहा नहीं, पर ये अंदाज से उसके आसपास जहाँ चूहा होने की संभावना होती है आके बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत ही जोर से पंख फड़फड़ाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। चूहा डर के मारे उछल पड़ता है, इतनी जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही वो उछलता है ये चूहे को लेके भाग जाता है, उड़ जाता है अपने घोंसले की तरह। तो चूहा इसके जाल में फंस जाता है और उल्लू को उल्लू मत समझिएगा, उल्लू होशियार होता है। लेकिन मैं बताने वाला हूं कि उल्लू इतना अच्छा कैसे देख लेता है, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, बिल्कुल रात में शिकार, रात में खेतों में सब उड़ते फिरते हैं। उल्लू क्यों देख पाता है, इसकी वजह इसकी चार विशेषताएं। चार विशेषताएं क्या है? एक, इसकी आंख। ये मैं मनुष्य से तुलना करता चलूंगा। इसकी आंख हमारी जो होती है, आंख और पीछे रेटिना होता है जहां से दिमाग तक ये संकेत जाता है कि आंख क्या देख रही है। तो आंख और रेटिना के बीच की ये दूरी हमारी आंख के मुकाबले काफी अधिक होती है, तो इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। पहली बात, पैक्टन नाम की विशेष कोशिकाएं होती हैं इस दिशा में होती हैं दोस्तों, हमारी आंख में भी होती हैं, आंख के लेंस को समायोजित करने वाली, लेकिन ये तो गजब होती हैं पैक्टन। ये लेंस को ऐसे समायोजित करती हैं कि फोकस बिल्कुल बढ़िया बना रहे रेटिना पर। एक विशेषता जिसकी वजह से वो बहुत बढ़िया देख पाता है। पर एक विशेषता नहीं, मैंने आपसे कहा था चार विशेषताएं। इसकी दूसरी विशेषता मैं आपको बताता हूं जिसकी वजह से बढ़िया देख पाता है। दूसरी वजह होती है इसकी आंखों में संवेदनशील कोशिकाओं की संख्या। भाई देखना है, आंखें एक हमारी इंद्रिय है, तो सब में होती संवेदनशील कोशिकाएं, हमारी आंखों में भी होती है, लेकिन इसकी आंखों में होती है 10,000 प्रति वर्ग मिलीमीटर। आंखों में मात्र 2,000 होती हैं। खैर, हमें उल्लू की तरह रात को जो कहते हैं रात को जागते हैं वो उल्लू कहलाते हैं, हमें उल्लू की तरह रात को देखने की आवश्यकता भी नहीं। हमारे लिए 2,000 प्रति वर्ग मिलीमीटर भी काफी हैं, मगर उल्लू हमसे 5 गुना देख सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा संवेदनशील कोशिकाओं की संख्या के चलते। ये दूसरी विशेषता जिसकी वजह से ये इतना अच्छा देख पाता है। अब आइए तीसरी विशेषता पे आते हैं। तीसरी विशेषता होती है इसकी आंखों में एक लाल रंग का पदार्थ भरा होता है। लाल रंग का पदार्थ आंख के अंदर इसके भरा होता है। ये पदार्थ जैसे हमारी आंखों में शंकु और नलिकाएं होती हैं, ऐसे इसकी आंखों में पड़ा ये पदार्थ प्रकाश के लिए काफी संवेदनशील होता है। जो इसमें प्रकाश पड़ता है इसको ये बहुत बढ़िया अनुभव करता है, सेंस करता है, उसका संवेदनशीलता उसकी बहुत अधिक होती है, प्रकाश पड़ते है, उत्तेजित होता है। तो वो पदार्थ इसे देखने में बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मदद करता है। दरअसल ये पदार्थ एक तरह का प्रोटीन होता है जो
रिफ्लेक्टर का काम करता है दोस्तों। आंख में पड़ते ही संवेदनशील होता है और आंख से प्रकाश को परावर्तित करके, परावर्तित प्रकाश यानी जब किसी चीज पे जाएगा तो वो चीज भी उल्लू को दिखेगी। ये फायदा है। तीसरा फायदा, चौथा कौन सा फायदा है? चौथा फायदा ये है कि इन उल्लू महाशय की आंखें, इनकी पुतली काफी फैल सकती है और काफी खुल सकती है। तो यू जो हम जब नहीं दिखता यूं आंखें खोल खोल के देखते हैं ना, उल्लू अपनी आंखें फाड़ फाड़ के हमसे बहुत बढ़िया देख सकता है। तो ज्यादा प्रकाश की मात्रा, जितना आंखों की पुतली आपकी खुल पाएगी उतना प्रकाश की मात्रा आंख में अधिक जाएगी, और जब अधिक आपकी आंख खुलेगी, उल्लू की आंख अधिक खुलती है, तो इस वजह से उल्लू की आंखें जिनमें रोशनी अगर कम भी जाए मगर चूंकि पुतली ज्यादा फैल जाती है तो कम रोशनी भी उसको देखने के लिए पर्याप्त सिद्ध होती है, इसलिए कि आंखें ज्यादा खुल सकती हैं। तो ये चार बहुत ही शक्तिशाली वजहें हैं जिनकी वजह से ये उल्लू महाशय इतना बढ़िया देख पाते हैं। आप भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारा चैनल, इस चैनल को देखते रहिए। आपसे अनुरोध है हमें सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलेंगे मित्रों इसी चैनल पर। नमस्कार।